तो ईएमआई के अंदर एक असाइनमेंट दी थी, सब्जेक्टिव शीट नंबर 50, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट। यस सर। 2 में स्क्वायर कॉइल 600 टर्न्स हैं और साइड कितना गिवन है 20, एरिया आ जाएगा इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन इंक्लाइन टू 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री 60। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो कॉइल कुछ ऐसे है कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है, तो इनके बीच में एंगल क्या है बी और एरिया में 90 90, तो आपने इसको 30 घुमा दिया, यही क्वेश्चन किया था, 30 घुमा दिया, तो अब बी और इसमें एरिया में एंगल क्या बनेगा 60, तो बी ए कॉस 60, शॉर्टकट भी बताया था 90 में से माइनस कर लिया करो जो एंगल के बने आंसर, तो बी ए कॉस 60 आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में डाउट, फोर्थ का आंसर 22 आ रहा है, 2.2 नहीं आ रहा, 22 है। फिफ्थ में डाउट, सिक्स्थ में डाउट, यस सर 16। क्वाइल जिसका एरिया आपको गिवन है हैविंग 1000 टर्न्स इज सस्पेंडेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड गिवन, तो अगर एक क्वाइल बी के परपेंडिकुलर है तो एरिया और बी में एंगल क्या बनेगा 0, तो फ्लक्स क्या होगा बी ए कॉस 0। इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, तो अगर दोनों के बीच में अगर एंगल 0 था और आपने कॉइल को रोटेट कर दिया तो एरिया वेक्टर भी यहाँ पर आ गया, तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा अब 90, तो पहले फ्लक्स क्या है बी ए कॉस 0, अब फ्लक्स क्या है बी ए कॉस 90, और इतने सेकेंड में कैलकुलेट एवरेज ई एम एफ बताओ, तो माइनस एन फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स क्या है बी ए कॉस 90, इनिशियल क्या है बी ए कॉस 0 अपॉन टाइम आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, 8th में एयर कोड सोलिनॉइड जिसकी लेंथ गिवन है एंड एरिया गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, कैरी द करंट भी गिवन है, स्विच ऑफ करने का मतलब करंट जीरो करना, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना, करंट डिक्रीजेस टू 0 इन टाइम 1 मिली सेकेंड, फाइंड एवरेज ईएमएफ। तो एक बात बताओ कि अगर आपके पास ये एक सोलिनॉइड है, इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है और ये क्या है ये बी है, तो बी इसमें क्या होगा बी इज इक्वल टू क्या म्यू नॉट एन आई, बी इज म्यू नॉट एन आई। अब इसमें इस लूप का जो एरिया है, एरिया और बी में एंगल क्या है 0, तो आपको सोलेनोइड का बी निकालना आता है, बी इज म्यू नॉट एन आई, वो आप निकाल लोगे। एक लूप का फ्लक्स निकालना आता है, तो फ्लक्स क्या होगा बी इंटू एरिया, और पूरे लूप कितने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई, तो इनिशियल फ्लक्स आ गया। फाइनल फ्लक्स क्वेश्चन में गिवन है क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, टाइम आपको पता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी निकाल लेना, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम आंसर, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में डाउट, 9th में क्लोज्ड कॉइल कंसिस्ट ऑफ 500 टर्न्स, रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ एरिया गिवन, रेजिस्टेंस भी गिवन है, इट इज केप्ट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म फील्ड, तो प्लेन परपेंडिकुलर का मतलब एंगल इनके बीच में 0, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी कॉइल जब उसको टर्न कर दिया 180, तो पहले कॉइल और बी में एंगल क्या है 0, फिर 180 टर्न करने का मतलब एरिया इधर चला गया तो एंगल क्या हो गया 180, तो आपको इनिशियल फ्लक्स पता है बी ए कॉस ऑफ 0, फाइनल फ्लक्स पता है बी ए कॉस ऑफ 180, इंड्यूस्ड ईएमएफ आप निकाल लोगे, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय टाइम, ठीक है जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई। इंड्यूस्ड ईएमएफ को के मैग्नीट्यूड को अगर मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो क्या जाएगा इंड्यूस करंट आ जाएगा, वो सब निकल जाएगा, इंड्यूस करंट आ गया। इंड्यूस करंट को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा चार्ज आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, डन। सो यहां पे 90 होना चाहिए, बी ए कॉस 180 की जगह कॉस 90 होना चाहिए, कैसे होगा, कॉइल को 180 घुमाया ना पहले, तो कॉइल जो वो तो ये देखो एरिया तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, हाँ ये देखो ना पहले कॉइल कैसी है परपेंडिकुलर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है,
तो इसका एरिया वेक्टर पर पेंडिकुलर इस तरह, तो बी और ए में एंगल क्या जीरो, फिर क्वाइल को सर, घुमा दिया ऐसे 180, तो एरिया यहाँ चला गया। अभी तो अभी भी वैसे ही है ना, इसे जीरो से मान यस लो, सर, ठीक है सर, ठीक है, तो आंसर आ गया। टाइम गिवन गिवन है इसमें, किधर है, नहीं टाइम नहीं गिवन इसमें, हाँ परपेंडिकुलर, चलो एक काम करो, टाइम नहीं गिवन, कोई बच्चा ये भी नहीं, पता है क्यों, क्योंकि जब ईएमएफ निकालोगे तो इसमें टाइम नहीं पता, उस ईएमएफ को जब यहाँ पुट करोगे तो करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम आएगा, फिर जब यहाँ पुट करोगे टाइम से टाइम अपने आप कैंसिल हो जाएगा, इसलिए चाहिए नहीं, चाहिए नहीं होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, टेंथ, टेंथ में कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो एंगल यानी कि बी और ए में क्या है, जीरो, सम हाउ द रेडियस ऑफ द लूप बिगेंस टू डिक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ, ये पता है क्या गिवन है, डी आर बाई डी टी, रेडियस की वैल्यू गिवन है 1 mm पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो जब आर की वैल्यू 2 cm, देखो जब जो ईएमएफ होती है वो पता है क्या होती है, डी फाई बाई डी टी होती है। नॉर्मली आपके क्वेश्चंस के अंदर बी इंटू एरिया, सर्कुलर लूप है, नॉर्मली क्वेश्चन में एरिया चेंज नहीं होता, बी चेंज होता है, इसमें एरिया चेंज हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा, तो जो चेंज नहीं हो रहा उसको आप बाहर निकाल दो, तो क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ आर का स्क्वायर, तो ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस बी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2 r dr बाई डी टी। तो आपको इस क्वेश्चन में डी आर बाई डी टी पता है, आपको इस क्वेश्चन में आर पता है, आपको इस क्वेश्चन में बी भी पता है, आंसर आ जाएगा डन। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक है।